हेलो फ्रेंड, मैं सोमोद भौमिक, आप लोगों का स्वागत है मेरा न्यू यूट्यूब चैनल प्लांटेशन कैन चेंज द वर्ल्ड। आज हम मेरा गुड़हल के पौधे के बारे में बात करेंगे। आप लोग देख सकते हो कैसे फूल हुआ है मेरा गुड़हल के पौधे में। इस पौधे का एज ओनली 2 मंथ है। इस पौधे का हार ब्रांच में नया बार्ड और कुलिया लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इस पौधे का हार ब्रांच पत्तियों से भरा पड़ा है। हम इसका कैसे सॉइल तैयार करता है, कैसे इसको मेंटेन करता हो, उसके बारे में बात करूँगा। आप लोग देख सकते हो हम यूज़ किया है 10 इंच का क्ले पॉट। क्ले पॉट पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है, ये नेचर फ्रेंडली भी है। इसके बाद हम कैसे इसका मिट्टी तैयार किया है उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर इस तरह से एक पत्थर रख दीजिए। ये आपका पौधे का मिट्टी को वही ड्रेनेज होल से बाहर जाने से रोकेगा। इसके ऊपर आप 0 स्टोन का एक लेयर चढ़ा दीजिए। ये आपके पॉट का सॉइल का ड्रेनेज में सहायता करेगा। उसके ऊपर एक बालू का लेयर चढ़ा दीजिए, ये भी आपके पौधे का ड्रेनेज में सहायता करेगा। इसके बाद हम कैसे इसका मिट्टी तैयार करता है, क्या क्या चीज़ हम यूज़ किया है इसका मिट्टी के बारे में आप बात करेंगे। हम 30% हमारे बागान के जो मिट्टी है वो लिया है, उसके साथ हम 20% कोकोपीट मिलाया है। कोकोपीट आपका सॉइल को लाइट वेट रखेगा, ड्रेनिंग में सहायता करेगा। उसके साथ हम 20% काउडंग कंपोस्ट मिलाया है। काउडंग फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है जो आपका पौधे में सहायता करेगा। उसके साथ हम 10% रिवर सैंड और दरिया का बालू यूज़ किया है, ये भी आपका मिट्टी को ड्रेनेज में सहायता करेगा। उसके साथ हम 10% लीफ कंपोस्ट मिलाया है, ये भी फुल ऑफ नाइट्रोजन, फुल ऑफ फॉस्फेट है एंड फुल ऑफ पोटेशियम है जो आपका गुड़हल के पौधे को सहायता करेगा। उसके साथ हम सरसों के खली, नीम के खली 10% यूज़ किया है। नीम के खली पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम कैसे मेरा गुड़हल के पौधे में पानी देता हूँ उसके बारे में बात करूँगा। गुड़हल के पौधे पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप रेगुलरली इसको पानी दीजिए। धन्यवाद।